नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे ग्रीन एनर्जी स्टॉक की जो कई मायनों में आप कह सकते हैं एक पेनी स्टॉक है, कई लोगों के लिए मनी डिस्ट्रॉयर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मनी डिस्ट्रॉयर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय इसमें बहुत ज्यादा हाइप बनाई गई और पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट जब मैं आपको दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा कंपनी ने एक बहुत अच्छा कमबैक भी किया, लेकिन जो निवेशकों का आप कह सकते हैं अनुमान था उसके विपरीत एक गिरावट का सिलसिला स्टॉक में शुरू हो चला है। तो क्या स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्या निवेशकों को इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्यों स्टॉक अभी भी बहुत बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं डेंजरस है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधे लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे ग्रीन एनर्जी स्टॉक सुजलॉन एनर्जी की। अब मैंने इसको वेल्थ डिस्ट्रॉयर क्यों कहा था आप देखें, तो अगर मैं पिछले मात्र 6 महीने में दिखाऊं तो आप ऊपरी स्तरों से देखेंगे ना स्टॉक ने अपने निवेशकों के पैसे को 32% से ज्यादा खराब किए हैं। और स्थिति आपको मैं दिखाऊं तो 1 साल के अंदर जो ये ऊपर गया है वहां से आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 31% टूट चुका है, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ी बड़ी करते हैं ना कह लीजिए लेंस को, तो स्थिति बड़ी डरावनी हो जाती है। आप देखिए तो स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे जो 11.50 रुपए वहां से टूटा है, लेकिन निचले स्तरों में आप देखेंगे ना तो जो इसने जो यहां से रैली दिखाई है ऑलमोस्ट 543% का रिटर्न। और यही चीज निवेशकों को लगा कि भाई क्या अब तो सब चीजें ठीक हो गई है, क्या यहां से एक बड़ी रैली होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। स्टॉक 11 रुपए के आसपास इस प्रकार का रेजिस्टेंस बना रखा है कि वहां से बार बार गिरावट हमको देखने को मिलती है। और अब आप देखेंगे तो जो ये गिरावट है कहां जाके रुकेगी, तो वन सेकेंड ये आपको दिखा 7.85, और अब आप देखेंगे तो 6.70, ये अगर गैप सब खत्म करने में आता है तो मुझे लगता है एक बार शायद 6.70 रुपए भी आपको एक बार ये स्टॉक दिखा सकता है। अगर यहां जाए तो मुझे लगता है वो एक मौका होगा लंबी कह लीजिए लॉन्ग टर्म में खरीदारी का। लेकिन बात याद रखिएगा इस कंपनी के लिए जो ये लेवल है ना दोस्तों, ये वाले ये देखिए लगातार सपोर्ट यहीं से निकलते आ रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहां के रुकता है 4 रुपए के आसपास। और सुजलॉन का भी अगर सबसे पहला 5 साढ़े 5 5 रुपए से 5.5 रुपए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन अगर इससे टूटता है तो 4 रुपए को तोड़ना मुझे इसके लिए देखिए स्टॉक मार्केट कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है 4 रुपए तोड़ना स्टॉक के लिए आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और आप देखें तो पिछले काफी समय से एक बड़ा गिरावट सिर्फ स्टॉक में नहीं है, पूरे के पूरे बाजार बैठे हुए हैं। और ऐसे में सुजलॉन आप कह सकते कोई बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं दिखाया है, ठीक है। लेकिन तो जो निवेशक सोच रहे हैं क्या निकल जाना चाहिए, मुझे लगता है Q4 के नंबर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको Q2 और Q3 के नंबर दिखाऊं, सुजलॉन ने बहुत शानदार कमबैक किया है अपने प्रॉफिट्स को लेकर के। कैसे आप देखें यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबको पता होनी चाहिए वो इसका प्लेज परसेंटेज, 80% ज्यादा स्टॉक इसके प्लेज है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं जरा नीचे लेकर के चलूं आप कौन से नजर डालिए, सिर्फ भरे पड़े हैं। प्रोज में क्या है, बस ये अच्छी चीज है कंपनी ने डेट को रिड्यूस किया है, बहुत शानदार रिजल्ट निकले हैं। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव जिसकी कोई बात नहीं करता है वो है इनके डेबिटर डेज दोस्तों 125 दिन से घट के मात्र 76 डेज हो गए, यानी अब पेमेंट आनी भी आप कह सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो चुकी है। और पिछले क्वार्टरली रिजल्ट ने काफी अच्छा रिजल्ट दिखाए हैं, आप देखें तो जो नेट इनकम है नेट प्रॉफिट है इस बार 78 करोड़ रुपीज रही है, उससे पहले 56 करोड़ थी। ये दोस्तों वन पॉइंट प्रॉफिट वन टाइम प्रॉफिट की गारंटी, वरना पिछले काफी समय से लगातार लॉस में कंपनी चल रही थी और इस बार ये अच्छे रिजल्ट आना एक बहुत बड़ा ट्रिगर थे। और अगर Q4 में दोस्तों अगर इसके जो कह लीजिए आप प्रॉफिट है अगर 78 करोड़ रुपए से अधिक आ जाते हैं तो फिर एक न्यू रैली एक बड़ी तेजी आपको स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन आएंगे कि नहीं ये देखना रहेगा। लेकिन ये कंपनी दोस्तों मैं ये कहूंगा बहुत बड़ा निवेश करने के लिए नहीं है। पहला, अगर रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल स्टॉक से दूर हो जाएं, लालच के चक्कर में स्टॉक में निवेश करना भारी पड़ सकता है। लेकिन
अगर अगर आपका पेशेंस है और छोटा मोटा आपके सकते हैं पोर्टफोलियोस में लगा सकते हैं, तो मुझे लगता है यहां से एक बड़ी तेजी स्टॉक में हो सकती है दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।